हो जाए, कमी पेशी होने के चांस हैं, क्या सूरत हाल है? कमी पेशी नहीं होगी इंशाल्लाह, काम बढ़ेगा क्योंकि माल बहुत शार्ट है, माल मिला ही नहीं पीछे से। अच्छा जी, इंशाल्लाह माल मिला ही नहीं है, माल शार्ट है इस मरतबा? माल शार्ट है, माल बहुत शार्ट है। तो हमारा व्यापारी ने 50 जानवर लेकर आता था, उसने सिर्फ 20 जानवर लाए हैं। अच्छा, और जो कस्टमर सर आ गए यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे जी वो क्या कहते हैं सीज में, क्योंकि 5 लाख रुपए से कम तो रेट है ही नहीं किसी बैल का अभी फिलहाल, तो अभी देखेंगे नहीं कस्टमर इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि महंगाई भी कम हो रही है, पेट्रोल की कीमतें भी सस्ती हो रही है, कनक भी सस्ती हो गई है, मैदे का रेट भी टूट गया है, काफ़ी चीज़ें सस्ती हो रही हैं, अभी देखेंगे वो क्या कहते हैं और व्यापारी जरा क्या कहते हैं, वो इसकी भी अपडेट बना के आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तलहा भाई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूं, आज है 31 मई 2024 और मैं मौजूद हूं न्यामोना मंडी में। न्यामोना मंडी में शेड नंबर 6 और 5 में जो से मवेशी हज़रात ना वो देखे आ चुके हैं, अभी मैं आपको यहां पे इनका रेट की अपडेट देने वाला हूँ। आपको इस वीडियो के एंड पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो से मवेशी इनका क्या रेट शेड है, और व्यापारी हज़रात महंगाई के बारे में और जो से कस्टमर हज़रात यहाँ पे आए हुए हैं वो महंगाई के बारे में क्या कहते हैं। ये जी ले जी, न्यामोना मंडी के शेड वाली साइड पे मैं मौजूद हूँ और ये हमारे सामने शेड नज़र आ रहे हैं, ये बाकी तो शेड खाली है लेकिन शेड नंबर 5 और शेड नंबर 6 जो उनसे ना वो उसमें मवेशी आ चुके हैं। ठीक है, अभी आपको मैंने इनसे रेट पूछा था, अभी ये रेस्ट शरीफ फरमा रहे हैं अभी हज़रात जो उनसे हैं, मैंने एक बंदे से इनसे पूछा था कि यार रेट शेड है, कहते यार हमारे पास ना 5 लाख से नीचे कोई भी जानवर नहीं है और 15 लाख तक मैक्सिमम जो उनसे ना वो मवेशी हमारे पास मौजूद हैं। अभी आपको दिखाते हैं जी कि 5 से लेकर 15 तक इनकी रेंज है, जिस तरह का जानवर है उस तरह का रेट है उसका। ठीक है, ये फार्म के अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह का है, पानी सबसे पहले पड़ा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद जी ये नज़ारा कुछ इस तरह का है। अभी आपको सारे फार्म का विजिट करवाने वाले हैं, फार्म नंबर शेड नंबर 6 है जी, ये यहाँ से स्टार्ट होता है जी, ये देखें ये तकरीबन 15 लाख रुपया तो होगा इसकी डिमांड, बाकी देखते हैं कि फिक्स प्राइस नहीं, बाटा प्राइस नहीं है, इसमें कमी बेशी हो जाएगी अभी और भी, लेकिन वो रेट जो सब बता रहे हैं ना वो यही है जी फिलहाल। ये देखें जी ज़रा, ये देखें जी, ओके आगे चलिए, उसके बाद ये भी है, ये देखें माशाल्लाह ठीक हो गया जी, उसके बाद ये भी है, उसके बाद ये वाइड वाइड है, ये देखें नहीं ज़रा शेड नंबर उसमें भी आ गए यार, कुछ जानवर है मौजूद हैं लेकिन ये शेड में ज़रा ज़्यादा जानवर मौजूद है, इस वजह से इसकी वीडियो बना रहे नहीं फिलहाल। ये देखें नहीं ज़रा, उसके बाद जी ये हैं, उसके बाद जी हमारे ये हैं, ठीक हो गया जी, ये देखें नहीं ज़रा, उसके बाद जी हमारे पास ये आ रहा है जी माशाल्लाह वाइट में है, और उसके बाद जी ये है, उसके बाद जी ये भी है, ये देखें जी इस शेड का सबसे खूबसूरत जो सा बैल है ना वो आपने कमेंट में बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो ये अभी यहाँ का नज़ारा फ़िलहाल कुछ इस तरह का है, अभी मैं आपको उधर वाली साइड पर भी लेके जाऊँगा, सभी माशाल्लाह एक से एक बढ़ के प्यारे हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं, गुलाइयाँ चेक करें इनकी माशाल्लाह, ये देखें जी ज़रा ठीक हो गया। ये अभी आपको शेड नंबर 5 का भी नज़ारा करवाएंगे फ़िलहाल, तो ये शेड नंबर शेड है इसकी आपको दिखा रहे हैं, ये देखें जी ज़रा माशाल्लाह ठीक है, उसके बाद जी ये है, ले जी 5 लाख से नीचे कोई भी नहीं है ठीक है इनमें से, और 15 लाख तक मैक्सिमम यहाँ पे ना मवेशी मौजूद है इनके पास, 5 लाख से नीचे कोई भी नहीं है ठीक है। ओए, उसके बाद जी हम आपको ये देखें ज़रा, ये भी मवेशी यहाँ पे मौजूद हैं, उसके बाद जी ये वाले मवेशी यहाँ पे मौजूद हैं, और उसके बाद ये वाले मवेशी यहाँ पे मौजूद हैं, ये अगर मैं आपको करीब जाकर दिखाता हूँ कितने प्यारे हैं, ये देखें जी ठीक हो गया, उसके बाद जी ये है डार्क ब्राउन। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कहाँ से हैं जी? पीपल टाउन से। कैसा क्या फील किया आपने यहाँ पे आके? प्यारे हैं ना? हाँ प्यारे तो हैं काफ़ी, क्रिकेट ही खेलेंगे आप? सेकंड टाइम आऊँगा मैं। सेकंड टाइम आए हैं? अच्छा, उसके बाद जी ये भी है कुछ ठीक हो गया जी, उसके बाद जी ये है, ये है नहीं, ये फार्म नंबर 6 का मैंने आपको विजिट करवा दिया है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो ये नहीं, एंड पे ये रात जो ना रेस्ट फरमा रहे हैं, अभी सुबह सुबह का टाइम है, जल्दी आ गया था तो इस टाइम ना मौसम ठीक होता है, फ्रेश होते हैं, तो इस वजह से मैं जल्दी आ गया था। अभी आपको रेट भी अपडेट करने वाले हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, और अभी शेड नंबर 5 का भी आपको नज़ारा चेक करवाते हैं, ये देखिए शेड नंबर 5 न्यामोना मंडी, और ये देखिए।
देखें जी नज़ारा यहाँ का। फैसलाबाद में मेरे ऐसी मंडी होती है, हमारी मलीर मंडी थोड़ी है या कराची की जैसे वो मंडी होती है जिसमें रात टाइम लाइटें वगैरह लगी होती है, हमारे फैसलाबाद में ऐसी ही मंडी होती है। और माशाल्लाह बड़े खूबसूरत जानवर हैं, ये देखें जी, वो देखें जी, लाल पंप भी लगा हुआ है ताकि इनको अच्छे तरीके से नवा सकें ये, ठीक है। वो देखें जी ज़रा, फार्म नंबर 4 भी माशाल्लाह फुल भरा हुआ है। अभी आपको फार्म नंबर 4 का भी नज़ारा लिया, 7 भी भरे हुआ यार, इतना खराब हो गई है। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, ये देखें जी फार्म नंबर 4 का नज़ारा, ठीक हो गया। ये देखें जी ज़रा माशाल्लाह, लाजमी करिएगा, इनमें से किसी का रेट भी 5 लाख रुपए से कम नहीं है, किसी का रेट भी 5 लाख रुपए से कम नहीं है। और माशाल्लाह एक से एक बढ़ गए हैं जी, ये देखें माशाल्लाह। यहाँ से मैं वापस गया हूँ, मुझे डर लग रहा था यहाँ से गुजरने से, ये देखें जी यहाँ का नज़ारा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, ठीक है, क्या सूरत हाल है मंडी की, ठीक है। कब से आए हैं आप यहाँ पे, आज दूसरा दिन है, दूसरा दिन है आज, ठीक। अच्छा बुध वाले दिन के आए होंगे आप ना, बुध वाले दिन क्योंकि आते हैं जब मवेशी वगैरह मंडी में, और आज फ्राइडे का दिन है। क्या क्या रेट शेट जा रहे हैं, ठीक है माशाल्लाह। इनके इस ये बैल नज़र आ रहा है जो हमको, ये वाला, इसका क्या रेट चल रहा है, इसका मांग रहे हैं 7.5 लाख, 7.5 लाख रुपये, यानी कि 5 लाख रुपये से मैंने सही अंदाज़ा लगाया, 5 लाख रुपये से कम कोई भी जानवर फिलहाल नहीं है, ठीक है। आगे जाके शायद कोई कमी पेशी हो जाए या किसी किस्म का कुछ हो जाए, कमी पेशी होने के चांस हैं, क्या सूरत हाल है। कमी पेशी नहीं होगी इंशाल्लाह, काम बढ़ेगा क्योंकि माल बहुत शार्ट है, माल मिला ही नहीं पीछे से। अच्छा जी, इंशाल्लाह माल मिला ही नहीं है, माल शार्ट है, इस मतलब माल शार्ट है, माल बहुत शार्ट है। अच्छा, तो हमारा व्यापारी ने 50 जानवर लेकर आता था, उसने सिर्फ 20 जानवर लाए हैं। अच्छा जी, जी कि माल शार्ट है, शार्ट है, बिल्कुल शार्ट है। चलें ठीक हो गया जी, नहीं बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से हैं जी भला, मैं समुद्री से, समुद्री से इधर पास ही है समुद्री, हाँ बस ठीक है। न्यामोरा मंडी में ये मौजूद हैं और समुद्री से आए हुए हैं, और ये अपडेट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, 5 लाख रुपए से कम किसी का रेट भी नहीं है। और जो व्यापारी जो व्यापारी 50 जानवर लेके आता होता था ना, वो इस मरतबा 20 जानवर लेके आया, मवेशियों की शॉर्टिंग चल रही है जी। ये अपडेट फिलहाल थी, मैंने आपके साथ बना के शेयर कर दी है। साड़ी ये हमारी वाम इतनी वेली है जी, ये एक दो बैल जोन से ना, वो ज़रा जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि पुत्र गए हैं, वो देखें जी ज़रा, ये देखें तो उसको ये देखने आए हुए हैं सारे, ये देखें जी ज़रा, सही हो गया जी। अभी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी, ये क्यों इस तरह कर दे, हुनी हुनी आए था इस तरह गड्डी तो लाया उसको, वीडियो डराता, हर बंदे नु शौक होंदा भी मैं पुत्र दे बच्चे दी फोटो बनाऊं। हां जी, लोग आप चाहते होंगे यार एक बार पुत्रे साड़ी वीडियो असी बनाई है, मजा आवे है तुहानू, है ड्रामा लोगों के हले भी यही सोच ही है जी, माशाल्लाह ठीक है। लेन जी डरिया जानवर किसी सट्ट भी ला सकता, हाँ जाहरी गल है, उन्होंने की पता अपने भी सट्ट लवा सकते, किसी भी सट्ट, ठीक हो गया जी। ये जी अनलोडिंग हो रही है, ये अनलोडिंग एरिया है न्यामोरा मंडी का, यहाँ पे अनलोडिंग हो रही है, यहाँ पे ना ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये ठीक हो गया जी, ये देखें ये बैल आए हुए हैं और ये इनकी अनलोडिंग वगैरह हो रही है। सुबह सुबह का नज़ारा है यहाँ पे, इस टाइम ना ज़रा मौसम ज़रा बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। ये देखें ज़मीन से इतना ऊंचा है, ये देखें तो ये बिल्कुल परफेक्ट इन्होंने बनाया हुआ है कि ताकि यहाँ पे अच्छे तरीके से अनलोडिंग हो सके। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कहाँ से आए हैं जी, काड़े से, वो काड़े से आए हैं, ठीक हो गया जी। कितने मवेशी थे, कितने मवेशी लेके आए हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से आए थे सर आप, कोकाड़ा से, कितने मवेशी लेके आए माशाल्लाह, अभी तो 20 लेकर आए हैं, 20 लेके आए हैं। कहते हैं कि मंडी में इस बार तो माल शार्ट है, इतना माल है नहीं है, मवेशी शार्ट है, पता नहीं
अभी आप आए हैं। क्या नाम है आपका? राणा आसफ। कौन से शेड में होंगे आप? आठ नंबर शेड में होंगे जी, हर दफा हम आठ नंबर शेड में, आठ नंबर शेड में ही होते हैं जी, जब से मंडी बनी है। ठीक है जी, राणा साहब से मैंने आपको मिलवा दिया, ये शेड नंबर आठ में होते हैं। अगर आपने इनसे मिलना हो तो आप शेड नंबर आठ में इनसे मिल सकते हैं। ठीक हो गया जी राणा साहब। ठीक है, ये देखें जी, अभी दो इसमें रह गए हैं, इसको भी अनलोडिंग करेंगे, उसके बाद ये भी ट्रक सारा अनलोडिंग होने वाला है। इसमें कितने बैल हैं इसके अंदर मौजूद है? तकरीबन 10 के हैं इसके अंदर, और 10 उसके अंदर थे, 20 लेके आए फिलहाल। ठीक हो गया जी, बाकी पीछे खड़े हैं और। अच्छा ठीक हो गया जी सर। वालेकुम जी, अनलोडिंग एंजॉय कर रहे हैं जी, जी। कहाँ से आए हैं आप? हमने तो फैसलाबाद से। फैसलाबाद से ही हैं। क्या सूरत है मंडी की, आपने विजिट तो किया होगा? बहुत महंगी है अभी मेरे ख्याल से, मुश्किल ही बात है। वो कह रहे हैं कि इस मरत माल ही नहीं है, वो भी पिछली दफा यही कहा था। अच्छा ऐसे ही कहते हैं जी। चलो देखो, बाकी नसीबों का तो हर बंदे को मिल ही जाना है। बिल्कुल लें जी, ये वजूद जो थी, ये जो से हजरात है ना यहाँ पे मौजूद है, सुबह साढ़े से, ये सुबह साढ़े सुबह, ये सुबह सुबह का टाइम है तकरीबन 7 बजे का। तो यहाँ का नज़ारा फिलहाल कुछ इस तरह का, अभी इतनी गर्मी भी नहीं है, आस्ता आस्ता गर्मी बढ़ेगी 12 बजे तक तकरीबन। तो ये सब जो सी वहाँ में ना, ये अनलोडिंग इन्जॉय करने आई है, इनकी कोशिश यही है कि कोई ना कोई बैठा था इनमें से पुत्र के लाभ भाग जाए तो हम उसको देखें, इन्जॉय करें। अल्लाह माफ़ करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो से बंदे साथ आए हैं, काफ़ी ट्रेन है, अच्छे तरीके से अनलोडिंग कर रहे हैं। शेड नंबर 8 में ये सारे जानवर जाने वाले हैं। ठीक हो गया जी, ये जी भी आपको दिखाने वाले हैं, ये जो उनसे बैल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं फिलहाल, अभी ना इसको ये अनलोडिंग करने वाले हैं, देखते हैं क्या बनता है। दुआ यही कीजिएगा कि कुछ ख़राब ना हो। अभी आपको दिखाने वाले हैं जी क्या सूरत हाल है। ठीक हो गया जी, माशाल्लाह देखें जी ज़रा ये नज़ारा जी कुछ किस तरह का है। माशाल्लाह लाजमी कह दीजिएगा, बहुत बहुत खूबसूरत मवेशी जो उनसे ना इस मंडी में दोबारा आ चुके हैं एक मरतबा फिर। और ये देखें ऐसे अनलोडिंग होती है सिंपल सी, ऐसे आ जाते हैं मवेशी और फिर इनको लेके छड़ के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर जाके इनको बांध दिया जाता है, फिर वहाँ पर हजरात आते हैं जी हमारे जैसे जो इनको ख़रीद के लेके जाते हैं अपने घर। इस तरह का कुछ माहौल होता है जी यहाँ पर। ये सारे माशाल्लाह इन फ्यूचर व्लॉगर जो उनसे ना वो यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक हो गया जी, अनलोडिंग भी आपको चेक करवा दी है, एक ट्रक अनलोड हो गया, दूसरा होने वाला है जी। वही दो बैल हैं जो जिनकी अनलोडिंग हुई थी, वो भी लेके जा रहे हैं जी अपने शेड के अंदर, शेड नंबर 8 के अंदर। और मैंने आज मैं आया था यहाँ पे व्लॉग बनाने के लिए, और मैंने जो सा सबसे बड़ा और माशाल्लाह खूबसूरत बैल जो सा देखा ना इस मंडी का अब तक का, वो अभी आपके साथ शेयर करने वाले हैं जी ये। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है सर आपका? मलिक फहीम साहब। अच्छा सर, आप मुझे बताएं आपका नंबर क्या है? 0321-7941625। ठीक है, तो वो जो सा बैल हमने देखा था एक नंबर वाला, इसका क्या रेट फाइनल, यानी कि क्या रेट से आप डिमांड कर रहे हैं? डिमांड तो हम 25 लाख कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन फाइनल 20 लाख का दे देंगे। 20 लाख रुपए का? ठीक होगा जी। नहीं जी, ये रेट मैंने आपको बता दिया है इस मंडी का, या अब तक का जो सा सबसे बड़ा और खूबसूरत बैल जो सा ना, वो भी आपको साथ दिखाने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। माशाल्लाह भी लाजमी की कह दीजिएगा, और अभी आपके साथ शेयर करने वाले हैं जी ये देखें। एक तो ये है ना चीना, ये वाला जुनसा इसकी बात हो रही थी अभी, इसका वो कर रहे हैं जी 25 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, और 20 लाख रुपए में फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको ये इसका अंदर का व्यू मैंने दिखा दिया, अभी आपको मतलब बाहर से जाके भी दिखाते हैं जी इसका, ये किस तरह कितना खूबसूरत है। और इस शेड में ये भी दो जानवर मौजूद हैं, ये देखें जी, इसका वो 20-20 लाख रुपये की डिमांड कर रहे हैं। ये देखें, एक ये है, ये मैं अभी आपको बाहर से जाके भी दिखाता हूँ जी, माशाल्लाह साइज़ देखें और खूबसूरती देखें इसकी। और इसके अलावा जी एक ये भी है, ठीक है, अभी आपको बाहर लेके जाते हैं, बाहर से जाके साथ अंदर ना रोशनी ज़रा कम है, अभी आपको अच्छे तरीके से ये ना सही शो नहीं हो रहा होगा, मैं आपको बाहर लेके जाता हूँ, बाहर से जाके आपको मतलब इनका विजिट दिखाता हूँ जी। ये देखें जी वो बैल, ये हाँ हाँ, इसको मैंने अंदर से दिखाया था, सही नज़र नहीं आ रहा था, अभी आपको सही नज़र आ रहा होगा जी। ये उधर मुँह कर ला यार, अगे भी तो उधर मुँह कर लिया सी उस्ताद, ऐह चेक कर, किसी वड्डी कंपनी का ऐसा लगता वा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जी हम इस बैल की बात कर रहे थे जिसकी 25 लाख रुपया कह रहे थे, लेकिन 20 लाख रुपए तक फाइनल ये दे देंगे। ये देखें जी ज़रा, अभी आपको इसका ये देखें जी, ये व्यू है जी इसका, माशाल्लाह लाजमी कह दीजिएगा। ये शेड नंबर 8 है, जो भी मैंने अनलोडिंग दिखाई ना आपको, उनसे बैल उतर रहे थे गाड़ी में से, वो इस शेड के अंदर आ रहे हैं, और ये हमारे सामने राणा साहब आ रहे हैं। ये कहते हैं हमने हर साल इसी शेड के अंदर ही अपने मवेशी लेके आते हैं, और मवेशी माशाल्लाह इनके पास बहुत ही
खूबसूरत खूबसूरत है, अल्लाह बाकी बनाई हर चीज़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और ये देखें जी इस साइड के अंदर ये जा रहे हैं, ठीक हो गया जी।